तो हेलो फ्रेंड, जैसे कि अभी आप देख सकते हो, आज हम सीखेंगे मार्कशीट क्या होती है, उसको कैसे बनाना है, बनाना क्यों जरूरी है, उसमें क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी आप सैंपल देख सकते हैं, इस तरीके से हम पूरा सीखेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ये रेड बटन दबा के आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल भी दबाएँ, जिससे जो भी हम आगे न्यू न्यू डालें वो आपको सबसे पहले मिलती रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ब्लैंक शीट लेके। ये मैंने एक्सेल पे ब्लैंक शीट ले रखी है। मैंने WPS ऑफिस यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ कर सकते हैं, दोनों का सेम होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों में अलग वगैरह होता हो, सब कुछ सेम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉलम में लिख लेंगे मार्कशीट। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है यहाँ से पूरा। ठीक है, इतना सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर मर्ज पर करना है, और मर्ज पर करने के बाद आप देख सकते हैं ये अभी आपका पूरा ब्लैंक हो गया है। ठीक है, अब आप इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे तो वो अपने आप सेंटर पॉइंट में आ जाएगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ मार्कशीट, देखिए मार्कशीट मैंने लिखा है, ये एकदम सेंटर पॉइंट में आ रखा है। ठीक है, अब हम इसको कर देते हैं, थोड़ा हाईलाइट करते हैं, कलर इसका हम रेड कर देते हैं। ठीक है, और इसको अब हम बड़ा करते हैं। तो मैं इसका साइज ले लेता हूँ, 48 ले लिया मैंने इसका साइज। ठीक है, और मैंने इसका कलर भी चेंज कर दिया। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और इसमें बढ़िया बना लेंगे। हम इसको अभी कर देते हैं बोल्ड। ठीक है, बोल्ड कर दिया हमने इसको, और थोड़ा सा हम इसको स्टाइल में कर देते हैं, नीचे से लाइट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मार्कशीट, देख सकते हैं आप, बढ़िया लग रहा है अभी। ठीक है, तो मार्कशीट होने के बाद में अब आपको हमें क्या करना है, हमें चलते हैं, अब हम लिखते हैं। सबसे पहले मार्कशीट बनाने के लिए हमें ज़रूरी होता है स्टूडेंट का नेम। ठीक है, तो आप नेम ऑफ स्टूडेंट भी लिख सकते हैं या नेम भी लिख सकते हैं। तो मैंने नेम लिख दिया है सिर्फ। ठीक है, नेम लिखने के बाद आपको स्टूडेंट का रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर लिखने के बाद आपको सब्जेक्ट्स लिखने हैं, जो जो सब्जेक्ट का आपको मार्कशीट बनानी है। जैसे इंग्लिश, मैंने ENG लिख दिया, हिंदी, ठीक है, मैथ्स, साइंस, और हम एक और ले लेते हैं SST। ठीक है, ये हमारे 5 सब्जेक्ट हो गए। और उसके बाद में अब आपको ये सारे जो आपने सब्जेक्ट लिए हैं, सब्जेक्ट ले लिया, रोल नंबर ले लिया, नेम ले लिया, अब उसके बाद में आपको क्या करना है, टोटल लेना है। ठीक है, आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको यही लिखना है। जैसे मैं टोटल लिख दिया, उसके बाद में परसेंटेज लिख रहा हूँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही सारा फॉर्मेट के साथ लिखना है, आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली इसका फॉर्मूला यही होता है। तो इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, मैंने टोटल लिख दिया, परसेंटेज लिख दिया, अब मैं ग्रेड लिख देता हूँ, ग्रेड लिख दिया, अब मैं रिजल्ट लिख देता हूँ, रिजल्ट में पता लगेगा पास फेल। रिजल्ट लिखने के बाद अब मैं इसमें लिखता हूँ कि जो बच्चा है उसको पास होने के लिए मिनिमम कितने नंबर चाहिए, और पास होने के लिए कम से कम कितने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने चाहिए। मैक्सिमम और मिनिमम मैंने लिख दिया, MIN मीन्स मिनिमम और MAX मतलब मैक्सिमम। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया फॉर्मेट एक तरीके से, कि जो भी बच्चों को बनाना होगा, मतलब जो बच्चों का हमें मार्कशीट बनानी है, उसका ये पूरा एक फॉर्मेट हो गया। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। ठीक है, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट कॉलम पे, नेम के नीचे हम लिखेंगे नेम। जैसे मैं लिख देता हूँ एक में मोहित, ठीक है, नीचे लिख देता हूँ रोहित, उसके नीचे लिख देता हूँ नमन। ठीक है, तो ये हमने 3 नाम ले लिए। अब उसके बाद में रोल नंबर दे देते हैं, जो आपकी मर्जी हो आप वो दे सकते हैं, या फिर जो आपको स्टूडेंट का रोल नंबर हो वो आप दे दीजिएगा। ठीक है, रोल नंबर देने के बाद आपको नंबर देने हैं, जितने जितने जिस सब्जेक्ट में उस बच्चों के नंबर आए हैं उनके नंबर देने हैं। ठीक है, तो मैं दे देता हूँ, एक को दे देता हूँ 50, फिर दे देता हूँ 60, फिर दे देता हूँ 70, दे देता हूँ 40, ठीक है, फिर दे देता हूँ 30। तो ये मैंने नंबर दे दिए हैं। इसी तरीके से आप सबको जो जो उनके नंबर हैं उसके हिसाब से आप नंबर दे दीजिएगा। ये मैं सिंपली ऐसे आपको समझाने के लिए डाल रहा हूँ, ये कोई मैं वैसे किसी बच्चे के नहीं डाल रहा हूँ नंबर, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए डाल रहा हूँ।
ठीक, तो ये हमने नंबर डाल लिए हैं। नंबर डालने के बाद अब आपको क्या करना है, सम ऑफ टोटल, मतलब टोटल आपको निकालना है, ठीक है। तो टोटल निकालने के लिए अब नॉर्मल सी बात है, एक्सेल पे काम कर रहे हो तो फार्मूले की जरूरत तो होगी, ठीक है। तो टोटल निकालने का फार्मूला होता है इजिकल टू, ठीक है, अगर आपको कहीं समझ नहीं आया आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, इजिकल टू एस यू एम, ठीक है। देखिए आप नीचे बहुत सारे फॉर्मूलेस आ जाते हैं। सम डालने के बाद आपको क्या करना है, शिफ्ट दबा के 9 दबाना है, मींस ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट डालना है। ब्रैकेट डालने के बाद आपको क्या करना है, अपना एरो से सेलेक्ट करना है या फिर आप माउस से भी ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए दिखा देता हूँ मैं, देखिए इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं माउस से भी, और कीबोर्ड से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो हमारे गेमिंग बटन होते हैं राइट लेफ्ट अप डाउन, उनसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये होने के बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद आप जैसे ही एंटर मारेंगे आपके पास टोटल आ जाएगा। देखिए 272 इसका टोटल है, अभी मैं आपको नीचे वाला भी करके दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। फिर इजिकल टू डाला हमने, फिर हमने लिखा सम, ठीक है। सम लिखने के बाद में फिर हमने ब्रैकेट डाला। ब्रैकेट डालने के बाद अब मैं आपको कीबोर्ड से करके ही दिखाऊंगा, जैसे मैंने ये यहाँ पर पहुंच गया। यहाँ पर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, शिफ्ट को दबाना है और फिर उसको सेलेक्ट कर लेना है। ये देखिए सारे सेलेक्ट कर लिए हैं, और सेलेक्ट होने के बाद में फिर आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद फिर आपको एंटर मारना है, ठीक है। तो दूसरा टोटल ये आ गया, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि जैसे आपके दो टोटल निकल गया है और आपको तीसरा भी टोटल निकालना है, तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। यहाँ से इसको आप पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद जैसे आपके ये आएगा आप ऐसे कर देंगे तो नीचे इसका टोटल नीचे वाला भी वो खुद ले लेगा, ठीक है। ये आप पूरे एक्सेल में कर सकते हैं सारे फॉर्मूले को, मतलब एक फार्मूला लगा के आप उसके नीचे को जितने भी हों उन पे कर सकते हैं, सब पे एकदम सेलेक्ट करके वो अपने आप उस फार्मूले को अपना देता है, ठीक है। अब आ जाती है दोस्तों परसेंटेज की बारी, ठीक। आपको क्या करना है, इजिकल टू डालना है, जैसे कि आपने देखिए परसेंटेज पे आज आ गए, और अभी आपको इजिकल टू डालना है। इजिकल टू डालने के बाद आपको सेलेक्ट नंबर्स ऑफ टोटल, ठीक है, जो नंबर्स ऑफ टोटल है उसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए पहले आपको ब्रैकेट डालना पड़ेगा, ये हमने ब्रैकेट डाल दिया। एक मिनट, ये फार्मूला थोड़ा गलत हो रहा है। इजिकल टू डालने के बाद में आपको ये कर लिया आपने सेलेक्ट, ठीक है, ब्रैकेट नहीं डालना आपको। कभी कभी ये एक्सेल पे हो जाता है, जैसे मतलब थोड़ा गड़बड़ी हो जाता है, ठीक है। तो होने के बाद में अभी आपको क्या करना है, डिवाइडेड बाय, डिवाइड कर लगाएंगे, डिवाइडेड बाय जितने आपके सब्जेक्ट हैं। जैसे हमने मेनली 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट को ले रखा है, सॉरी 5 सब्जेक्ट ले रखा है हमने, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट को हम डिवाइड करेंगे, 5 डाल के एंटर मार देंगे, तो 54.4 हमारी परसेंटेज आ गई, ठीक है। मैं अब आपको एक और दिखा देता हूँ, पहले वाले में थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया था, बटन दब गया था, ठीक है। इजिकल टू डालना है, इजिकल टू डालने के बाद सेलेक्ट नंबर्स ऑफ टोटल करना है, ठीक है। सेलेक्ट नंबर्स ऑफ टोटल करने के बाद में आपको डिवाइड डालना है। डिवाइड डालने के बाद जितने सब्जेक्ट, अगर आपने चार सब्जेक्ट ले रखे हैं तो 4 ही डालेंगे, और 5 ले रखे हैं तो 5 डालेंगे, 6 ले रखे हैं 6 डालेंगे। मैंने 5 ले रखे हैं, 5 डाल दिया, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। इसकी 50.6 है, ठीक है। अभी देखिए मैं तीसरे वाले की कैसे निकालता हूँ, इसको पकड़ के मैं नीचे कर दूंगा, और एक मिनट, ये ले लिया, हाँ अब मैं इसको पकड़ के नीचे कर दूंगा। देखिए नीचे वाले की भी आ गई 53.2। अब आ जाती है ग्रेड की बारी, ठीक है। तो ग्रेड का फॉर्मूला यार थोड़ा बड़ा होता है, और इसलिए मैं आपको उसको समझाने के लिए मैंने पहले से ही उसको लिख रखा है, आप इसको समझिए। देखिए ग्रेड का फॉर्मूला ये होता है, ग्रेड फार्मूला इजिकल टू इफ सेलेक्ट परसेंटेज, ब्रैकेट डाल के सेलेक्ट परसेंटेज, फिर एरो डाल के, फिर 90, मतलब 90 अबोव होगा तो ए प्लस आएगा उसका, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ, अगर 90 अबोव है तो ए प्लस है, ठीक है, और 80 अबोव है तो ए प्लस है, 70 से ऊपर है तो बी प्लस है, 60 से ऊपर है तो बी है, 50 से ऊपर है तो सी प्लस है, और 40 से ऊपर है तो सी है, और 33 से ऊपर है तो डी है, और 33 से नीचे है तो ई है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, आपको लग रहा होगा बड़ा है, लेकिन सिंपली ये इतना ही फॉर्मूला है, देखिए ये इतना फॉर्मूला है बस। और उसके बाद में जैसे यहाँ पर 90 है तो वहाँ 90 की जगह 80 हो गया है, और A प्लस की जगह A हो गया है, ठीक है। फिर 80 की जगह 70 हो गया है, और A की जगह B प्लस हो गया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, आप इसको नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, देख लीजिएगा पूरा फॉर्मूला आप देख लीजिएगा। तो ये हमारा ग्रेड का फॉर्मूला है। मैं अभी आपको समझाने के लिए क्या करता हूँ, मैं इसको यहीं से ले लेता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, और मैं कर देता हूँ इसको कॉपी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ग्रेड का फॉर्मूला लगाता हूँ, वी कर दिया मैंने, ये ले नहीं रहा है ऊपर अभी, ये यहाँ पर हमें परसेंटेज लेनी पड़ती है, तो मैं आप करके दिखा दूँगा। जैसे कि आप ये भी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, क्योंकि फिर
कुछ दोस्त मेरे ऐसे कमेंट करेंगे कि मतलब कहीं और से उठा दिया, क्या कर दिया, व्या कर दिया, ठीक है, इसलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने पूरा हटा दिया, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, उसमें टाइम लगता है थोड़ा, मैं सोच रहा था कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना करूं, लेकिन मेरे कुछ अच्छे दोस्त हैं वो ऐसे कमेंट कर देते हैं कि कहीं से उठा लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो इसलिए मैं अभी आपको लिख के दिखाता हूँ पूरा। ठीक है, तो मैंने सिंपली इजिकल टू डाल दिया, फिर उसके बाद में इफ़ डालना है, फिर ब्रैकेट डालना है। ठीक है, तो ज़्यादा जल्दी नहीं मचानी आपको, ठीक है, आराम आराम से करिए, लेकिन फॉर्मूला गलत मत करिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, परसेंटेज को सेलेक्ट कर देना है, परसेंटेज आपको सेलेक्ट कर देनी है। परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद आपको एरो डाल देना है, एरो डालने के बाद फिर आपको 90 डाल देना है। इसमें भी आप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 90 अबोव देने हैं, मतलब ये जो 90%, जैसे अगर आप मान लीजिए आपको 80% वालों को ए प्लस देना है, तो आप यहाँ पर 90 की जगह 80 डाल सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं एक नॉर्मल शीट बना के दिखा रहा हूँ, जैसे कि नॉर्मली बनती है शीट। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये हमने हमारा पूरा फॉर्मूला हो गया है। ठीक है,
मैंने थोड़ा शांत हो गया था, मतलब बोल नहीं रहा था, मैंने कहा पहले लिख देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये जो हमारा जैसे 33 है और 33 यहाँ भी है, देखिए ये 33 33 40 50 ऐसे है, इस नंबर को आप खुद भी काउंट कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ नॉर्मली बना के दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको 40 से नीचे वालों को फेल करना है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर 33 की जगह 40 डाल सकते हैं कि 40 से नीचे वालों को ई आएगा और 40 से ऊपर वालों को डी आएगा, ठीक है। अब सबसे मेन चीज आती है, जैसे कि जो कि हमारा ब्रैकेट है, मैंने आपको सब में क्लोज करके दिखाया, अब आपको आप यहाँ पर गिनेंगे कि कितने ब्रैकेट हैं, तो नॉर्मली 7 या 8 ब्रैकेट आएंगे इसमें, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जैसे ब्रैकेट में क्लोज करता जाऊंगा वो वन बाय वन करके हाईलाइट होते जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 होने के बाद, ये 8 मैंने ब्रैकेट लगाए हैं लास्ट में, अब ये पूरे क्लोज हो गए, अब ठीक है। अब मैं सारा कुछ होने के बाद में, ये पूरा फॉर्मूला है, अगर आपको समझ नहीं आएगा मैं डिस्क्रिप्शन में ही फॉर्मूला डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना, ठीक है। अब मैं करता हूँ एंटर प्रेस, तो देखिए इनका सी प्लस आया है, ठीक है। अब मैं उसी तरीके से नीचे कर देता हूँ, ठीक है। तो नॉर्मली तीनों का इसमें सी प्लस आया है क्योंकि ये तीनों 50 की लाइन में है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं एक किसी का भी चेंज कर देता हूँ, अभी मैं चेंज करके दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा डिफरेंट लगे, ठीक है। तो मैंने देखिए चेंज कर दिया, 38.2 पे पहुंच गया, तो इनका डी आ गया है। और डी आने के बाद में अब हम आ जाते हैं रिजल्ट पे, रिजल्ट कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों रिजल्ट का ही फॉर्मूला मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ, देखिए रिजल्ट का फॉर्मूला ये होता है, इजिकल टू इफ सेलेक्ट परसेंटेज एरो 33 कोमा फिर पास फेल लिख सकते हैं आप, ठीक है। मतलब ये सारे एरो वगैरह आपको लगाने हैं, हाइफन वाइफन, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ आपको दिखाता हूँ, ये बंदे जो हैं पास हैं या फेल हैं, ठीक है। तो इजिकल टू डाला हमने, इजिकल टू डालने के बाद हमने फिर इफ डाला और उसके बाद में फिर हमने ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाने के बाद हमने परसेंटेज को सेलेक्ट करा और उसके बाद फिर हमने एरो लगाया, एरो लगाने के बाद फिर 33 लिखा, 33 से नीचे वालों को हम फेल मानते हैं, ठीक है। तो 33 से नीचे वालों को हमने फेल रखा है और उसके बाद में फिर हमने लिखा पास, फिर हमने फिर कोमा लगाया, फिर लिखा हमने FAIL फेल, फिर लिखा, फिर उसके बाद हमने कर दिया ब्रैकेट क्लोज और हमने कर दिया एंटर प्रेस। तो देखिए ये पहला वाला बंदा जो है ये पास है, अब मैं नीचे आ जाता हूँ आपको दिखाता हूँ, तो ये तीनों पास हैं। अभी मैं एक को फेल करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो मैं डी वाले बंदे को फेल करके दिखाता हूँ, अभी ये चीज़ मैं आपको दोबारा से इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ पता लग जाए कि अगर आप आगे से कुछ भी चेंज करोगे तो आपको पीछे से अपने आप चेंज हो जाएगा, मतलब जो यहाँ से आप जितना भी कुछ फॉर्मूला लगा दिया वहाँ से अपने आप, देखिए मैं यहाँ से मैंने चेंज करा तो यहाँ पर फेल लिखा हुआ आ गया, इवन क्या आ गया, ठीक है। तो ये तो अभी हमारे मेन फॉर्मूले हो गए, ठीक है, ये तो हमारे मेन फॉर्मूले होते हैं। अब उसके बाद में हम मैक्सिमम और मिनिमम करते हैं, ठीक है। जैसे कि मतलब बच्चे के लिए कम से कम कितने नंबर हैं पास होने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितने चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। तो मैक्सिमम का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, इजिकल टू, ठीक है, और फिर उसके बाद मिनिमम का है ना, तो MIN मिनिमम के लिए MIN लगता है, ठीक है। उसके बाद हम डालते हैं ब्रैकेट, और ब्रैकेट डालने के बाद हम करते हैं सेलेक्ट ऑल नंबर्स, ठीक है। तो हमने कर दिया सेलेक्ट ऑल नंबर्स, यहाँ से हम करेंगे सेलेक्ट, ध्यान रखना आपको यहाँ से पीछे से आगे नहीं जाना, आगे से पीछे आना है। और मैंने रोल नंबर ले लिया है गलती से, तो मैं, ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया नंबर्स और उसके बाद मैं कर दूंगा ब्रैकेट क्लोज, फिर मैं मार दूंगा एंटर। तो देखिए इसको कम से कम 30 नंबर चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। इनको 30 चाहिए, इनको 20 चाहिए, इनको 10 चाहिए, मतलब पासिंग मार्क्स इतने होने चाहिए, ठीक है। 30 कम से कम इनको 30 की जरूरत है, इनको 20 की, इनको 10 की, ऐसे करके। अब मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इनको कितने चाहिए, ठीक है। तो अब हम ज़्यादा से ज़्यादा का भी यही फॉर्मूला होता है, इजिकल टू, और फिर उसके बाद मैक्सिमम, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट डालते हैं, सॉरी क्लोज नहीं, और फिर उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं, एक मिनट, इजिकल टू MAX ब्रैकेट, और उसके बाद फिर हम करते हैं सेलेक्ट, यहाँ पर आएंगे और फिर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद फिर हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज और फिर करेंगे एंटर प्रेस। तो ज़्यादा से ज़्यादा 70, तो मैक्सिमम और मिनिमम का भी ऐसा ही होता है, मतलब मैक्सिमम मिनिमम में सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम लिखा जाता है,
ठीक है, तो ये होती है हमारी फ्रेंड्स मार्कशीट। और अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कोई फार्मूला समझ नहीं आ रहा है, कोई मिस्टेक है जो आपको आपकी क्लियर नहीं हो पा रही है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। और आपको और भी शीट सीखनी है एक्सेल की तो मुझे कमेंट करें, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।